लोटा भी रखवा लेना भाई साहब। नहीं नहीं जरा रुक जाओ इतना जरा सा यार। अरे क्या कब से क्या कर रहे हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव है तो हिसाब से जरा लगा दो खाला। क्या बोला दूसरी और बनाना पड़ेगा भाई लगाने। कुछ ऐसा निकालोगे एक में बोले तो सब। एक लाख भाई स्टार्ट ठीक है स्टार्ट ठीक है स्टार्ट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि असेंबली का रिज़ल्ट आ गया वो शहरियान के सामने है। हमें इस शहर में नाकामी मिली मगर जो सरसरी एक जायज़ा लिया गया तो उसमें ये एक बात समझ में आई कि लोग हमारे मुद्दे हमारे इश्यूज़ और जो हमारा काम काज रहा है लोगों ने वो पसंद किया और एक बड़ी तादाद ने वो पसंद किया। मगर इस शहर में ये जो हो रहा है कि जो लोग काम नहीं करते उनके ताल्लुक़ से 5 साल तक लोग उनको बुरा भला बोलते उनको गालियां देते वो फिरका परस्तों से मिले हुए रहते कहीं ना कहीं ये सब बात को बुरा माना जाता। मगर कोई भी सियासी लीडर हो वो मैं रहूं या कोई दूसरा रहे अगर हमारी बातें या सियासी लीडरान का काम काज का तरीका लोगों को बुरा लगता है और वो उसको बुरा मानते हैं तो जब तक इस शहर में वोट की शक्ल में उनको चोट नहीं दी जाएंगी उस वक्त तक मालेगांव शहर के मसाइल हल होंगे ऐसा हमको नहीं लगता। तुम किसी को भी कितना भी बुरा बोलो कितना भी गाली दो मगर जब उसको तुम वोट दे देंगे तो उसके लिए वो गाली और उसको बुरा बोलना कोई मतलब या कोई मायने नहीं रखता। सियासी लीडर के लिए वोट ही उसकी ताकत होती है और अगर उसको वोट मिल रही है तो उसको कहीं से ज़रूरत नहीं है कि वो कोई काम काज करे या किसी भी तरीके से वो जो लोग चाहते हैं उस तरीके का शहर में काम काज हो। हमने इस शहर में रोज़गार के मसाइल पर बात की तालीम के मसाइल पर बात की यहाँ तक के हमारे लीडरान अबू आसिम आज़मी और रईस शेख साहब इन्होंने भी असेंबली में मालेगांव शहर के ताल्लुक से बात रखी। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि अबू आसिम आज़मी साहब ने जितनी बात उनके खुद के हलके के लिए नहीं की उससे ज़्यादा बात मालेगांव के लिए की। मगर इन सब बातों के बाद भी अगर शहरियान इस तरह का फ़ैसला करेंगे तो कहीं ना कहीं लीडरों में मायूसी आएंगी। हम ना पहले कभी मायूस हुए ना अभी हम मायूस हो रहे हैं। हमें 4% वोट मिली टोटल वोट का जो हिस्सा था उसका 4% हमको मिली। हमको अगर 1% भी वोट मिली होती तो भी हम मालेगांव शहर के मसाइल और मालेगांव शहर के लोगों के लिए काम काज करने में कोई कोताही ना पहले किए है ना आगे करेंगे। मगर आम लोगों तक अब किस तरीके से काम काज किया जाए हम इससे पहले भी बोले कि अब कहीं ना कहीं हमको हमारा तरीका बदलना पड़ेगा तो हम किस तरीके से काम काज करें इसके लिए 13 दिसंबर को एक हम आम मीटिंग बुलाएं और उस मीटिंग में हम आगे का फैसला करेंगे। उससे पहले हमने एक कमेटी बनाई है जो अलग अलग हिस्सों के लिए बनाई गई है। जोन ए आगरा रोड का शुमाली हिस्सा जिसमें वार्ड नंबर 3, 5, 6, 7 और 2 आते हैं उसकी जिम्मेदारी अतर हुसैन अशरफी सुहेल अब्दुल करीम को दी गई है। जोन नंबर 2 जिसमें वार्ड नंबर 12, 15, 16, 17 आता है उसकी जिम्मेदारी 4 लोगों को दी गई है कारपोरेटर आमीन फारूक कुर्शीद काबुल अस्पाक मेंबर जो नयापुरे के हैं और कारपोरेटर मुजम्मिल वफाती। इसी तरह जोन नंबर सी जो वार्ड नंबर 4 और 13 और 14 यानी गोल्डन नगर जाफर नगर ये हिस्से का है यहाँ की जिम्मेदारी कारपोरेटर अब्दुल बाकी राशन वाले और मसीउल्ला बेस्ट को दी गई है। और इसी तरह जोन नंबर डी जो गुरुवार वार्ड से लगकर जो पूरा हिस्सा आता है जिसमें वार्ड नंबर 18, 19, 20 और 21 इसकी जिम्मेदारी मौलाना जाहिद नदवी और एडवोकेट तौसीफ शेख को दी गई है। ये लोग जो है इन सब वार्ड में जो हमारे लोगों ने काम किया है और जो आम लोग हैं जो शहर के बुनकर हैं सरकर्दा अफराद हैं
जो शहर के ताल्लुक से 5 साल फिक्रमंद तो ज़रूर रहते हैं, मगर जब इलेक्शन आता है तो उस वक्त फिक्र करने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ बिरादरी के उसमें बढ़ जाते हैं। और आने वाला वक्त जो है, हमने माजी में देखा है कि मालेगांव शहर के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी हुई है, इससे पूरा शहर इनकार नहीं करता कि आउटर का जो हिस्सा है, वहाँ के जो मंत्री हैं, उन्होंने कुछ मतलब इस हिस्से के लोगों से मिलकर इतनी ताकत से इधर का फंड और इधर के जो भी सरकारी दफातर थे वो उस हिस्से में ट्रांसफ़र कर लिए। और आने वाला वक्त कॉरपोरेशन इलेक्शन का है, हमें कहीं ना कहीं लगता है कि इस मर्तबा जो है उससे ज़्यादा ताकत से फिरका परस्त इस शहर को, ख़ास तौर से मालेगांव सेंट्रल को लूटने का काम करेंगे। जो मुस्लिम हिस्से की आबादी है, उसमें जो सहूलत थी उसे ना इन 5-7 सालों में मिला और ना आगे मिलने का हमको कोई चांस लग रहा है। इसलिए हम आने वाले इलेक्शन में हमारा रूल इस तरह का रखना चाहते हैं कि हम ऐसा हिस्सा अदा करें इलेक्शन में कि फिरका परस्तों की ज़रूरत कॉरपोरेशन में ख़त्म हो जाए। वो किस तरीके से होगा, वो ये कमेटी के लोग अलग अलग हिस्से में मिलकर बातचीत करेंगे। हम दो चीज़ आने वाले वक्त में आम आवाम में लेकर जाने की कोशिश करेंगे। एक तो ये कि फिरका परस्तों की ज़रूरत नदी के उस पार की जो पार्टियाँ हैं, जो हमारा 80% फंड लेकर चली जाती, ऐसे लोगों की ज़रूरत आने वाले कॉरपोरेशन में हमको ना बचे। और ये हमको लगता है कि इसमें सबसे अहम रोल अगर कोई निभा सकता है तो वो मालेगांव शहर की समाजवादी पार्टी निभा सकती है, और हम उस तरीके से कोशिश करेंगे। दूसरा, बिरादरीवाद के नाम पर ये शहर जिस तरीके से 15 सालों से बढ़ रहा है, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने इश्यूज पर, हमने लोगों के कामकाज पर, इस पर हमने ज़्यादा फोकस किया, लेकिन उसको हम किस तरीके से ख़त्म करें इसकी कोशिश हमने नहीं की। और ये नतीजा था कि हमको इतनी कम वोट मिली, ये सिर्फ और सिर्फ बिरादरीवाद होने की वजह से हुआ। तो वो किस तरीके से ख़त्म हो, या हम क्या रूल ऐसा हमारा रहे इलेक्शन में, किसके साथ हम किस तरीके का रूल अदा करें, ये हम तय करेंगे ताकि बिरादरीवाद ख़त्म हो और शहर काम काज को लेकर, शहर के जो हालात हैं, इससे मैं फिर बोलता हूँ कि मालेगांव शहर में जो सरसरी हमने एक जायज़ा लिया, उसमें ये बात बिल्कुल साफ़ हुई कि शहर के हालात बिल्कुल ख़राब हैं और शहर तामीर और तरक्की के नाम पर यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। फिरका परस्तों ने इस शहर में जो होना चाहिए था वो होने नहीं दिया। और इससे पहले भी हम यही बोलते थे कि फिरका परस्तों ने अपना तरीका बदल लिया है, अब वो लोग जो है हमें बुनियादी सहूलत ना मिले, हमें कोई ऐसा सरकारी दफातर जो इस हिस्से में काम काज के लिए हो वो ना मिले, इस तरह की फिरका परस्ती की जा रही है और शहर की मिल्ली शनाख्त तो जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और आज जो है सरकार में जो महायुति बीजेपी की सरकार बनी है वो बहुत मजबूत सरकार बनी है, और इतनी मजबूत सरकार के बाद फैसले अब उससे ज़्यादा मालेगांव शहर के लिए खतरनाक साबित होंगे। क्योंकि आप देखेंगे पार्लियामेंट का जो इलेक्शन था वो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट को भी महाराष्ट्र में एक इशू बनाया गया, मतलब मालेगांव को टारगेट किया गया। बार बार नीतीश राणे जो है, जब कमज़ोर सरकार थी, मिलीजुली सरकार, कभी कोई इधर आ रहा जब कोई उधर जा रहा, उस वक्त मालेगांव शहर को मुसलसल टारगेट किया गया। अब बहुत मजबूत सरकार के साथ जब सरकार बनेगी तो हम ये मानते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा टारगेट मालेगांव शहर होगा। और ऐसे वक्त में अगर हम खामोश हो गए तो मालेगांव शहर में कोई कुछ करने वाला नहीं, लोग फिरका परस्तों के जूते संभालने में मस्त रहने वाले हैं। इसलिए हम आम लोगों में फिरका परस्तों के खिलाफ किस तरीके से लड़ा जाए और हमारी जो बुनियादी ज़रूरत है या हमारा जो हक है वो हमको किस तरह मिले, और आने वाले इलेक्शन में बिरादरीवाद किस तरह ख़त्म हो, इसकी कोशिश करने वाले हैं। फिरका परस्तों के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं, पूरा इलेक्शन आपने दबदबा क्रिकेट खेलने उधर गए, लोगों का हौसला बढ़ाया, शिवाजी मुजस्मे पे धरना दिया, मालेगांव का खोया बेकार वापस लाएंगे, ये सब बात की, फिर घूम फिर के आप वहीं आ गए, तो मसला क्या है ये? नहीं, आगे कैसे बढ़ेंगे आप? मैं एक बात क्या बोला, दो बातें,
हमने जो बुनियादी बात जो आप बोले कि फिरका परस्तों की बात, दबदबे की बात, हम इस पर इलेक्शन लड़े, ये बात बिल्कुल सच है। हमारी कैंपेनिंग भी इस पर थी, ये भी बात बिल्कुल सच है। हो ये हो सकता है कि हमको जिस तरीके की कोशिश करना चाहिए थी उस तरीके की हम कोशिश नहीं कर पाए। आम आवाम को जो बात हमको समझाना चाहिए था वो हम उस ढंग से नहीं समझा पाए। उसकी बुनियादी वजह जो सरसरी हमको लगी वो बिरादरीवाद हो गई। लोगों ने हमारे, देखो इलेक्शन दो किस्म का होता, एक इलेक्शन ये होता कि किसी के खिलाफ वोट देना और एक इलेक्शन ये होता कि किसी ने हमारे खिलाफ वोट नहीं दी। लोगों ने सिर्फ बिरादरी के नाम पे बढ़ गए। और मैं जो बोला इससे पहले कि इस शहर में 5 साल किसी लीडर को बुरा भला बोलना और उसके बाद उसी को वोट दे देना सिर्फ बिरादरी के नाम पे और ये इसको हराएगा वो उसको जिताएगा तो मसाइल हल नहीं होंगे। मगर मैं जो बोल रहा हूँ कि वो सवाल इसलिए कायम है कि आज अगर वो सवाल नहीं हो सका तो आने वाला वक्त कॉरपोरेशन का है और कॉरपोरेशन के ही इलेक्शन और कॉरपोरेशन में ही बैठकर सारे फंड और सारी सहूलत उस हिस्से में गई है। और आज महाराष्ट्र में भी मजबूत सरकार है और आउटर के मंत्री जो है वो पिछले पीछे से ज़्यादा मजबूत आज हो गए हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये डर है कि फिर वो सब चीज़ें इस शहर में होंगी तो हम अब उसको और अच्छे ढंग से लोगों के सामने लेके जाएंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। नहीं, अब वो कोर्ट जाने का ऐलान किए तो ये तो वही बता सकते कोर्ट वो जाने वाले हैं। आमतौर पर कोर्ट जो भी इलेक्शन में जाता है, इलेक्शन पिटीशन फाइल करता, तो एक उसका कायदा ये है कि जितने लोग इलेक्शन में हिस्सा लिए रहते वो सबको पार्टी बनाना पड़ता। तो अगर वो कोर्ट जा रहे हैं तो वो तो हमको भी पार्टी बनाएंगे मुखालिफ में, क्योंकि हम भी इलेक्शन में एक हिस्सा लिए हैं। तो उस वक्त हम देखेंगे क्या करना है। कॉर्पोरेशन चुनाव की आप बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन चुनाव की बात कर रहे हैं आप, तो कुछ ऐसा गठबंधन कुछ जहन में है? आप अकेले दम पे तो आप फिरका परस्तों को नहीं रोक पाएंगे, समाजवादी की इतनी ताकत नहीं लगती, तो क्या कुछ नया गठबंधन? मैं एक बात जो बोला कि हमारा रूल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में ये रहने वाला है कि हम नदी के उस पार की ज़रूरत इस बार ख़त्म कर देंगे, ये रूल हमारा रहेगा। हाँ बराबर बात तय करेंगे कि क्या है और आपने कमेटी बनाने का ऐलान किया, ये हमने एक सरसरी, मैं बोला कमेटी बनाई थी, सरसरी रिपोर्ट आई, अब जोन वाइज हमने जिम्मेदारी दे दी है। और 13 तारीख को जो आम मीटिंग बुला रहे हैं उसमें ही हम, हो सकता है उस वक्त तक हमारे पास रिपोर्ट आ जाए और हम दुश्मन नंबर एक कौन है शहर का वो हम उस मीटिंग में डिक्लेयर कर सकते हैं। सियासत में कोई किसी का मुस्तकिल दोस्त और दुश्मन नहीं होता, निहाल साहब परसों बोलते रहे, तो कोई ऐसा मामला रखेंगे या फिर कुछ नया रास्ता? मैं एक बात बोला कि आने वाले वक्त में हम इस शहर से बिरादरीवाद किस तरीके से ख़त्म हो ये कोशिश करेंगे। दूसरा कि हमारा जो रूल है वो हर हाल में ऐसा रूल हमारा कॉरपोरेशन इलेक्शन में रहने वाला है कि जो उस हिस्से की ज़रूरत है वो ख़त्म करे। और हर इलेक्शन का तरीका अलग होता, आप देखेंगे पार्लियामेंट इलेक्शन जब हुआ तो महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुन के आई, कोई बोल नहीं सकता था कि महाविकास आघाड़ी 50 सीटों के अंदर आ जाएंगी। 4 महीने के बाद असम्बली का इलेक्शन का जो तरीक़ाकार था, लोगों की सोच थी, वो बदल गई। पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो मालेगांव शहर ने 2 लाख वोट दिया वही पंजे निशान पे 7,000 वोट दिया। तो इलेक्शन, हर इलेक्शन दूसरे इलेक्शन जैसा नहीं होता। जो आप बोले कि यार नहीं ऐसा लगता कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन में हम लोग कोई बहुत ताकत से आ सकते हैं, तो कॉरपोरेशन के इलेक्शन की नवयत बिल्कुल अलग होती है, असम्बली की बिल्कुल अलग होती है। असम्बली में 2 उम्मीदवारों ने बिरादरी के नाम पर अपने आप को अलग अलग हिस्से में बाँट लिया। और ये इलेक्शन में जो सबसे बड़ी वो हुई, इलेक्शन शुरू होने से 2 महीना पहले मौजूदा MLA ने जो अंसारी बिरादरी का नाम लेकर जो बात बोली वो कहीं ना कहीं दूसरी बिरादरी को भी एक साथ होने में ताकत का काम किया। तो आप देखेंगे कि हमारा कोई नुकसान इलेक्शन में नहीं हुआ, हम जो थे हम वही हैं। जो 38,000 से चुन के आए थे वो 162 पे आए, तो सोचना उनके लिए कि ताकत किसकी कम हुई है। हमारी ताकत जो पहले थी वही है, हम कोई पहले बहुत
50,000 रोड थी और 10,000 हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम 2012 में भी जब 6,000 वोट लिए, हमारे दम पर इलेक्शन लड़े, कॉरपोरेशन इलेक्शन में हम 32,000 वोट लिए। कॉरपोरेशन इलेक्शन जब हम 2000 उसके बाद अपने उस पर लड़े थे तो 32,000 वोट 2012 में हम लिए थे, हमारी 4 सीट आई थी। तो इलेक्शन की नवैयत अलग अलग होती है, कोई इलेक्शन एक इलेक्शन का रिजल्ट का दूसरे इलेक्शन पर फर्क पड़ता है ऐसा मैं नहीं मानता और कहीं पे ऐसा नहीं होता। इस कॉन्फ्रेंस में कहा था पिछली कि यार अब हमारा उसूल भी किनारे रख के कुछ सोचेंगे, तो आसिफ से अपने स्टेट से आपके कामों की तारीफ कर रहे हैं, तो क्या कॉर्पोरेशन के अंदर या गठबंधन की तरफ तुम नहीं जा रहे? नहीं, देखो तारीफ कौन कर रहा, मैं खुद तकरीर नहीं सुना। एक तो बहुत लंबी तकरीर रहती मालेगांव में, अब लीडरों की इतना टाइम मिल नहीं पाता, अभी है टाइम मगर उसके बाद भी नहीं सुना। बात यह है कि काम काज को लेकर अगर सच बात देखेंगे तो ये कोई हमारे अपोज का आदमी भी और एक आम आदमी भी या मीडिया वाले खुद भी इस बात से इनकार कर ही नहीं सकते कि इस शहर में अगर अवामी और गरीबों का काम काज करने के लिए अगर कोई सरे फहरिस्त है तो बहरहाल समाजवादी के लोग हैं, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता। लेकिन आम लोग जो है वो जिनको 5 साल बुरा भला बोलते हैं, हम वही एक बात जो बोले कि ओट की चोट से ही मसाइल हल होंगे, इसी पे हम आगे अगले इलेक्शन लड़ने वाले। बदउनवानी के खिलाफ इतनी शिद्दत आपने लड़ने की, तो पिछले एक साल या उससे पहले एक डेढ़ साल से थोड़ी कम नज़र आ रही थी, आपको ये नहीं लगता कि आपकी तरफ जो ध्यान है आवाम का इसलिए नहीं गया, या फिर आप गारंटी देने में कामयाब नहीं हो पाए कि भाई हम ये थे? पिछले डेढ़ साल से जो आपका ये देखा गया, आप शिद्दत से कितना लड़ते थे वो थोड़ा कम हो गया था। हमारा इलेक्शन में जो बात थी, एक बात ये बदउनवानी की है, हम लोग जानबूझ के समझबूझ के हम उसको किनारे किए, हमने किसी का पेपर नहीं निकाले ये तो समझने ही मत। मगर हम इलेक्शन में ये बात बिल्कुल सच है कि हम इस मामले में कंफ्यूज हो गए, इससे मैं इनकार नहीं करूँगा कि दुश्मन नंबर एक कौन है। हम कंफ्यूज ये हुए कि अगर ये मामले को हम किसी एक लीडर की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो और शिद्दत से लगाया जाएगा, ये हमारी गलती थी, ये भी मैं तस्लीम करता हूँ, ये हमारी गलती थी। लेकिन हमसे वो गलती इलेक्शन में हुई है, आइंदा इंशाल्लाह नहीं होंगी। नहीं, ऐसा है कि देखो आवाम को खामियाजा भुगतना पड़ा, आवाम को खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले वक्त में भी, क्योंकि जनरल एक बात बिल्कुल साफ़ है कि जो इतनी टूटी फूटी सरकार में 5 साल काम नहीं करवा पाए वो इतनी मजबूत सरकार में काम काज करवा पाएंगे ऐसा मुमकिन कहीं से नहीं है। जिनका इंटरेस्ट और दिलचस्पी ही काम काज को लेकर नहीं है तो इसका नुकसान तो आवाम को ही भुगतना है। लोग ये बोलते हैं कि हमारा नुकसान हुआ, मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि हमारा नुकसान हुआ। नुकसान अगर किसी का हुआ है तो ये एक आम आदमी का और आम शहरी का इस इलेक्शन में नुकसान हुआ है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। और नुकसान उनका हुआ है जो 3 लाख वोट जिस वक्त मालेगांव शहर में 2019 में थी, उस वक्त जो 38,000 वोट से चुन के आए थे, जब 3,43,000 वोट हुई है यानी लगभग 50,000 करीब करीब वोट बढ़ी है, उस वक्त वो 162 वोट से अगर चुन के आए हैं तो 50,000 वोट का नुकसान उनका हुआ है, हमारा कोई नुकसान इस इलेक्शन में नहीं हुआ है सियासी तौर पे। उस वक्त तो आप लोग उनके साथ थे, आज नहीं है तो नुकसान तो हम लोग 37,000 वोट से जिताए थे। हाँ, तो आज हम लोग नहीं है, आज हम नहीं है तो वो 162 में सिमट गए। मुस्तकीम भाई, आपने मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ भी गठबंधन कर चुके हैं और आपने कहा हम उसूलों के हट के अब कुछ सोचेंगे और कुछ काम करेंगे, तो क्या ये ऐसा लगता हम समझे ऐसा कि यार आने वाले दिनों के अंदर के साथ नहीं, आज ऐसा कुछ भी, मैं एक बात क्या बोला कि हमारा रूल इस इलेक्शन में ये रहने वाला है कि हमारा जो हिस्सा इलेक्शन में रहेगा और हम जिस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, हमारी पहली कोशिश ये रहने वाली है कि मालेगांव शहर में इस हिस्से के लोगों की इतनी सीट आए और वो हमारे बगैर किसी की मुमकिन नहीं है, ये सरसरी हमने जायज़ा ले लिया है कि नदी के उस पार की जो पार्टियां हैं जो इस शहर को लूटने का काम करती उसकी ज़रूरत किस तरीके से ख़त्म करें, वो रूल हमारा इस इलेक्शन में रहेगा। इलेक्शन लड़ेंगे या जरूरत पड़ने पे गठबंधन करेंगे? नहीं, 13 तारीख को बताएंगे। तकीब भाई, आपने ग्रामीण बात की बात की, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं ये बात भी आ रही है कि मसाजिद मदारिस और स्कूलों का इस्तेमाल किया गया इलेक्शन में, तो ये आप कहाँ तक सही मानते हैं? यार पूरे इलेक्शन में यही सुनते रहे, बस हमारे लिए इतना अच्छा है कि यार हम पर ये कहीं से इल्ज़ाम नहीं आया कि हम कोई मस्जिद मदरसे या कोई दूसरी स्कूलों का यानी इस्तेमाल किए। मगर अब ऐसा है कि देखो
अगर हम किसी आलिम के बारे में कोई बात बोल दें तो सामने वाले फौरन उलमा का एहतराम इन सब बातों पर बात करने लगते, मगर जब उनके स्टेज से ये सब बात होती है, वो जमीयत के सवाल पर हो, महाराष्ट्र जमीयत के या तुम्हारे मौलाना सज्जाद नुमानी के सवाल पर हो, मैं कल भी मेरा स्टैंड एकदम क्लियर था, अवैसी साहब आकर जो मौलाना सज्जाद नुमानी के बारे में बोले, सबसे पहले इलेक्शन के फौरन बाद वो स्टेटमेंट हमारा था कि उससे महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है, ये बात बिल्कुल सच है। मगर आप एक बात सोचो कि अवैसी साहब अपने स्टेज से ये तो ज़रूर बोले कि फतवा का जवाब भगवा हुआ, मगर जब फतवे का जवाब भगवा हो सकता तो इम्तियाज़ जलील की रैली जो निकली थी औरंगाबाद से बम्बई तक, मुझे बताओ कि आज हम अगर कोई ऐलान कर दे तो पुलिस हमको नदी के उस पार नहीं जाने देती, हजारों गाड़ी की रैली सरकार की मदद के बगैर बम्बई तक जा सकती है क्या, जिसमें ये नारा लगा कि तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सियासी स्टेज से नारा नहीं होना चाहिए, ये मजहबी स्टेज से होना चाहिए, आम आदमी का होना चाहिए। जब फतवा भगवा हो सकता तो माइनॉरिटी का नारा, फिर जो मेजॉरिटी में बैठे हुए लोग हैं वो क्या जय श्री राम और उनका मजहबी नारा बना के लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे क्या, ये अवैसी साहब को खुद सोचना चाहिए, जिनकी वजह से मुसलसल सेकुलर पार्टियों का नुकसान महाराष्ट्र में इस मर्तबा हुआ है, उसमें अगर मौलाना सज्जाद नुमानी ज़िम्मेदार हैं तो उतने ही ज़िम्मेदार अवैसी साहब की पार्टी भी है।